अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पीएमवी पार्क मॉडिफाइड व्हीकल्स। तो वेलकम टू द चैनल अगेन। आज के अपडेट कुछ आप कहेंगे इतनी गर्मी में जैकेट और ये ग्लव्स वगैरह क्यों पहने हुए हैं। तो जस्ट एक ये था कि एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिप हमारा एक बन रहा था, तो सोचा आप लोगों को भी साथ लेकर चलें, तो आप लोग भी चलें। तो वैसे वीडियो मतलब पहले टूर्स वगैरह तो काफ़ी किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी किए हैं, लेकिन ये कि अब क्योंकि आप लोगों की एक फैमिली के साथ जुड़ के ये कम्यूनिटी बन गई है, तो सोचा कि मैंने आपको भी साथ लेकर जाया जाए और ताकि आप लोगों को गाइडेंस भी मिलती रहे और बताते रहें कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या कितना टाइम लगता है, क्या सारा सीन है ना। तो अभी इस वक्त हम जीटी रोड पर खड़े हुए हैं, ये हमारे पीछे बाइक खड़ी हुई है, जो जिस बाइक पर हम जा रहे हैं उसका भी आपको रिव्यू देते हैं, बाइक में क्या चीज़ ज़रूरी है, टूरिंग के पर्पज़ से वो भी आपको बताएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल से मैं टूरिंग वगैरह भी कर रहा हूँ, तो ये एक अपडेट आपको देते रहेंगे साथ साथ। तो अभी आपको ज़रा एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू देते हैं बाइक का कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं टूरिंग के लिए और क्या चीज़ जस्ट चश्का है। ठीक है जी। जी तो गाइज़ ये है कुछ हमारी बाइक, होंडा CBF 150F 2020 का मॉडल है ये। इसमें क्या चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहले तो ज़रूरी आ जाता है आपका हेलमेट से आगे जो है, ठीक है जी। देन उसके बाद आपका सेफ गार्ड। जी सेफ गार्ड वाकई ही ज़रूरी है, लोग वैसे मतलब हमने तो सिटी राइड के लिए भी लगाया हुआ था, तो क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको जो है चांस हो जाता है सेकंड चांस वगैरह का, सब कहीं गिर भी जाते हैं, तो ये आपका जो बाइक इन सिटी भी सेफ़ रखता है और आउट सिटी भी सेफ रखता है, मतलब आउट सिटी में, ठीक है जी। देन दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी ये लाइट्स, लाइट्स हमारी लगी हुई हैं HJG की, आप देख सकते हैं T6 आई थिंक इसको बोलते हैं, वो लगी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद एक तो सेफ गार्ड तो सबसे ज़रूरी है ही, सिटी राइड के लिए भी और बाहर के लिए भी। देन ही कुछ छोटे मोटे स्टिकरिंग हुई भी है। देन बाकी हमारा पास आ जाता है जो आपके साइड मिरर्स हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे मेन चीज़ साइड मिरर्स बहुत ज़रूरी होते हैं लॉन्ग रूट पर, आपको पता है। उसके अलावा सेफ्टी के लिए हेलमेट तो है ही, और ये ग्रैब रेल जो है ये ऑलरेडी CB150 का इतना होता है कि आपको एक्स्ट्रा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। देन ये आपका सीट मैश, ये भी जस्ट ज़रूरत नहीं इसके, अगर आप लगाना चाहते हैं तो कोई लगा भी सकता है। उसके बाद ये हमारा जो है जो LED लाइट्स हैं उसकी, उनके बटन आ गए हैं, ये हमारा हैज़र्ड का चारों इंडिकेटर्स जो इकट्ठे चलते हैं। उसके बाद ये हमारी, ये भी एक स्टोरी है, ये घड़ी यहाँ पर क्यों, ये हमें घड़ी 700 रुपये की पड़ी थी, ये भी एक स्टोरी आपको सुनाएंगे। उसके बाद ये हेलमेट, जो मोबाइल माउंट आ गया है, उसके साथ ये एक हमारा USB चार्जर जिसके ऑन ऑफ के साथ, उसके साथ हमारा एक USB सॉकेट, ठीक है जी। तो ये कुछ बाइक है, ठीक है जी, कि क्या चीज़ ज़रूरी है टूर के लिए, क्या चीज़ नेसेसरी है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। Hopefully you are enjoying the time lapse video. इस वक्त हम क्रॉस कर रहे थे खारियाँ। तो गाइज हम थोड़ी देर के लिए रुके थे रास्ते में, तो जस्ट हमने कहा स्टे भी कर लें और बाइक के लिए भी थोड़ा सा जो है ना वो स्टे हो जाएगा, तो आपको दिखाते हैं अभी हम किस जगह पर हैं। तो हेलमेट तो कारण नहीं, बार बार उतारने में ट्रैफिक वगैरह का थोड़ा इशू होता है। तो गाइज सीन तो ये कि हम लाहौर से निकले हैं, हमने कल जो है तो पढ़ी ली होगी, तो हम लाहौर से निकले और हम टूवर्ड जा रहे हैं। आज हमारा स्टे है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद जाकर स्टे करेंगे, क्योंकि जो मेरे साथ राइडर है, दूसरा राइडर है वो अगर बिल्कुल न्यू है, तो ज़रा उनको आदत नहीं है इसकी ट्रैवलिंग की। तो अभी हम जाएंगे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद ऑलमोस्ट हम 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, वहाँ पहुँच कर हम नाइट स्टे करेंगे, वहाँ नाइट स्टे करेंगे, उनका सुबह निकलना नक्सली के लिए, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको। बाकी भी आपको बताते हैं हम किस जगह पर हैं और क्या आसपास का जो है इन्वायरमेंट बहुत खूबसूरत है, आपके साथ भी शेयर करते हैं, देखिएगा। कुछ ये लोकेशन है हमारी, रावलपिंडी रह गया है 120 किलोमीटर, अभी इस वक्त सराय आलमगीर के पास है हम, तो थोड़ा थोड़ा असरात भी हैं सराय आलमगीर के, आप देख सकते हैं। तो अभी कुछ ये सीन है हमारा, ये बैग है और ये हमारा माशाल्लाह सिकरा, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, खर है, बाइक भी न्यू है, 2022 मॉडल है, 2022 का ही मॉडल है, बहुत थोड़ा ये भी चला, तो लेकिन ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है माशाल्लाह इसकी। बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे इसकी, इस बाइक का हमारा पहला टूर है, वैसे भी दूसरे CBs हमने रखे हैं, नए लास्ट ईयर में जो से भी होकर आए हूँ, अभी हमने इस पर नथिया के लिए जाना है कल सुबह, तो इसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। अल्लाह
फाइनली एट इस्लामाबाद, जो कि इतनी बड़ी रोड्स हैं जो ख़त्म ही नहीं होती, ख़त्म ही नहीं होती, स्पेशली एक्सप्रेसवे और कश्मीर हाईवे। तो अब हम जो थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, जो हमारा होटल था, तो रास्ते में बहुत प्यारा मौसम हो गया था, बहुत ही खूबसूरत मौसम, और हमारे हेलमेट की कुछ, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, हमारे हेलमेट की कुछ ही हालत हो गई थी जी। तो बॉयज़, आपको पता है लाहौरी जब भी कहीं पे पहुँचते हैं सबसे पहले उनको खाना चाहिए, तो सबसे पहला खाबा, तो ये हम पहुँचे थे I-8 जम्मू शर्मा। ये था जी हमारा day 1, होपफुली आपने इंजॉय किया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।